अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चस्का चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से पहले आप लोगों ने मुझे अच्छा फीडबैक दिया है, इसी तरह से आइंदा भी आप फीडबैक देते रहेंगे। हमारी आज की रेसिपी है चिकन मखनी कबाब, जिसमें हमने इस्तेमाल किया है मक्खन और मलाई, और देखेंगे किस तरह से हमने ये सॉफ्ट तरह से बनाई है। तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, एंड तक देखें, ताकि स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को, रेसिपीज़ को फॉलो करें और वही टेस्ट आए जो इन कब चीज़ों का, जो इन रेसिपियों का ओरिजिनल टेस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी चिकन मखनी कबाब बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें हम शुरू करते हैं हमारी चिकन मखनी कबाब बनाना, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये कबाब कीमा पिसा हुआ है। अगर आपके पास ये कीमा अवेलेबल ना हो तो आप बोनलेस लें, ब्रेस्ट का लें, थाइस का लें, जो भी लें बोनलेस लें, और उसको एक साथ सारी चीज़ों को इनको चॉप कर लें। और इसके अलावा हमने लिए हैं 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं, एक मीडियम स्लाइस कटिंग प्याज है, चंद हरी मिर्चें हैं वो जो आपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, हरा धनिया है, और ये दालचीनी का पाउडर पिसा हुआ है इसमें, ज़ीरा है, और जो ड्राई रोस्ट, ये सारी चीज़ें रोस्ट हैं, यानी कि जिसमें ज़ीरा है, सूखा धनिया है और दालचीनी है। इसको मैं साथ इसके पीसूंगी। बाकी जो मेरी पिसी हुई चीज़ें हैं, जिसमें नमक है, गरम मसाला पाउडर है, और ये कोकोनट जो क्रश किया हुआ होता है वो है, थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं और हल्दी है। इसको मैं सब चीज़ों को डाल दूंगी डायरेक्टली ही कीमे में, क्योंकि ये मेरी रेडी है। इसके अलावा ब्रेड को, हरी मिर्चों को, हरे धनिए को, और ये मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैं पीस करके रखे हैं, 8 से 10 मेरे लहसुन के जवे हैं, और ये पीस है तकरीबन, ये देख लें इतना, 1 से 1.5 इंच का पपीते का है। ज़रूरी नहीं है कि पपीता कच्चा ही हो, आप पका हुआ पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कि ये गलाने के लिए होता है, ये गलाने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि ये जो भी, चाहे हम बीफ में इस्तेमाल करें, कीमे में इस्तेमाल करें, ये सॉफ्ट रखता है उसको, यानी कि इसमें मॉइस्ट रखता है वो, उसको ड्राई नहीं होने देता। तो इन चीज़ों को हम एक साथ सारी चीज़ों को पीस लेंगे। और इसके अलावा ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब क्रीम है, और ये 1.5 टेबल स्पून के करीब मक्खन है, जिसको मैं कीमे में इन चीज़ों को मैं डाल देती हूँ डायरेक्टली, और बाकी उनको मैं पीस के डालती हूँ। अगर आपके पास कीमा नहीं है फ्रेश बना हुआ इस तरह से, तो आप लेके शॉपर में इन सब चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लें। मैं इन चीज़ों को मिक्स करके ग्राइंड करती हूँ। ये देखिए, जो सारा जो चीज़ें थी, ब्रेड थी, हरी मिर्चें, धनिया, लहसुन, अदरक, कच्चा पपीता, और जो मैंने दरदरा सा पिसा हुआ मेरे पास था सूखा धनिया और जीरे का जो पाउडर था, उसको भी मैंने साथ मिक्स कर लिया ताकि अच्छा सा फाइन पेस्ट बन जाए। ये जब चिकन के साथ हम इसको चॉपर में करते हैं तो बहुत ही अच्छा फाइन बनता है, लेकिन मेरे पास कीमा था तो मैंने इन दोनों चीज़ों को, इन इतनी जो सूखा जो हमारा ड्राई मसाला था उसको किया है मिक्स, और मैंने थोड़ी सी क्रीम रख भी ली है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हमारा स्मूथ हो जाए, यानी कि बहुत ही लिक्विड ही हो जाए। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने क्रीम डाल ली है, बाकी मैंने रख ली है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं और डालती हूँ। इसको हमने अच्छी तरह से फाइन मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये हमें लगता है कि ये जो इसका जो था वो मोटा मोटा मसाला था, लेकिन ये जब इसके साथ मिक्स होगा कीमे के साथ, तो ये ऐसा ही फाइन पेस्ट हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये देखें, हमारा अच्छा सा फाइन बैटर रेडी हो गया है। वो अच्छा हो मैंने क्रीम रख ली थी। ये देखें, हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। इसको अब हम 1 से 1.5 घंटे तक, जितना आपके पास टाइम है, इसको आप रेफ्रिजरेट करें और फिर इसको बनाएं। तकरीबन मैं इसे 1 से 1.5 घंटे रेफ्रिजरेट करूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह से इसमें और मज़ीद चीज़ें डल के ना, फिर इसको हमारी कबाब बनेगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे मैंने फ्रिज से निकाल के, इसमें मैंने कोयला का स्मोक दे दिया है। मैंने पहले ही ये चीज़ रेडी करके रख ली थी ताकि हम जल्दी आगे बढ़े रेसिपी में। मैंने कोयले को गर्म किया था और उसको छोटी सी प्याली में रख के, और इसके ऊपर ऑयल डाल दिया था और इसको कवर कर दिया था ताकि इसके अंदर, कीमे के अंदर इसका अच्छा सा स्मोक हो जाए, यानी कि हमें इसको तवे पे बनाना है। अगर आपके पास अंगीठी है तो आप अंगीठियों पे, कोयलों पे बनाएं, सीखों पे लगा के बहुत मज़ेदार बनेगी। और अगर आपके पास नहीं है तो आप पैन बनाएं, ग्रिल पैन में बनाएं, फ्राई पैन में बनाएं, नॉन स्टिक में, जिस तरह से बनाना चाहें इस तरह से बनाएं। तकरीबन स्मोक हो चुका है, कम मैं थोड़ा सा और दे देती हूँ, इससे अभी है मौजूद। तकरीबन हमारा 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक देने से फिर इसमें कड़वाहट आ जाएगी, तो हम इसको, इतना काफ़ी है। अब हमने क्या करना है, अपने हाथों को ऑयली करना है, और ये मैंने ली है
जो होती है स्टिक, जो स्ट्रॉ होती है, उसमें मैं इसको लपेटूंगी। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से अच्छी तरह से इसको कवर कर लें। इस तरह से आप कबाबे रेडी कर लें। अगर आपके पास सीखे हैं तो आप सीखों में भी प्रो के इसको इस तरह से फिर इसको निकाल लें। ये देखें, थोड़ा सा अगर रह भी जाता है इसमें कोई मसला नहीं है। आपने इसको इस तरह, अगर ये आप डायरेक्टली यहाँ से डालेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा, आपने इसके ऊपर इसको बनाना है। इस तरह हम हमारे सारे कबाब रेडी कर लेते हैं। ये हमारी कबाबें रेडी हो चुकी हैं, अब हम इनको ग्रिल पैन में फ्राई करते हैं। ये देखिए हमारी कबाब रेडी हो चुकी थी। इसमें मैंने प्याले में ऑयल दोनों को मिक्स करके रखा है। घी से ये होता है कि थोड़ा सा क्रिस्पी सा टेस्ट आता है। अब ये पैन मैंने गर्म करने पहले ही रख दिया था, ग्रिल पैन अपना, इसको मैं ग्रीसी करूँगी और मैं बारी बारी कबाबें इसमें रखती जाऊँगी। इसको मैंने लंबाई की शेप में रखनी है ताकि इसके जो इसमें बल आ रहे हैं ग्रिल पैन में, ताकि उसका कबाब में वो बल आए। कबाब में एक तरफ से ग्रिल हो चुकी हैं, अब हमने क्या करना है, इसको ढक के रख देना है और इसको अब हल्की आंच पर ढक के पकाना है। दूसरी तरफ भी पक जाए और अंदर की जो स्टीम होगी वो अंदर तक इसको लग जाए, ताकि जो अंदर तक इसकी जो हमने होल रखा था वो उसमें अंदर भी होके पूरा अच्छी तरह से गल जाएंगे। देखिए हमारी कबाब रेडी हो चुकी है, अब हम इनको निकाल कर डिश आउट करते हैं। देखिए हमारी चिकन मखनी कबाब रेडी हो चुकी है और हमने इसे रायता और चटनी के साथ और ये सलाद के प्लेटर के साथ सर्व किया है। आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, जिस तरह से आप खाना चाहें उसे आप खाएं। पहले तो आप बनाएं, उसे टेस्ट करें, पसंद आए तो हमें फीडबैक देना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस अपलोड होते ही आपको मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।